हम बिशप डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ की 22वीं बरसी के इस मौके पर चेकरण पैरिश की तरफ साहिवाल की तरफ से खुसूसी उनकी ज़िंदगी के वो आयाम जो उन्हें दुनिया में गुजारे उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बिशप जॉन जोसेफ बेबाक बिशप थे और उनकी शहादत जो है वो पूरी दुनिया के लिए और खुसूसी तौर पर दुखी इंसानियत के लिए और पाकिस्तान के लिए एक आला मिसाल है। डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ जो है उन्होंने पाकिस्तान में मसीही मुस्लिम राबता की बुनियाद रखी, अमन व इंसाफ कमीशन की बुनियाद रखी और उन्होंने बहुत सारी ऐसी तहरीकों में काम किया जिनकी वजह से किसी इंसानियत को जो है उनके हकूक़ मिल सके। बिशप जॉन जोसेफ जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम खुशपुर से हासिल की और इनके वालिद मुनाद थे और वो कैथलिक मसीही तालीमात में जो है वो रुझे हुए थे। बिशप जॉन जोसेफ ने जो है जब अपनी जान का नजराना दुखी इंसानियत के लिए दिया तो ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि नेक छुपान जो है वो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देना जानता है। हम उनकी तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ वी लव यू और आपकी जो कुर्बानी है वो पूरी दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल ठहरे। आमीन। ने आकर अपने शमे रोशन करते हुए और अपने फूलों की पत्तियां निचावर करते हुए आज हम उनकी तस्वीर के सामने एक दफ़ा फिर उनकी कुर्बानी को और उनकी तमाम तर खिदमात को सेक्रेड हार्ट कैथलिक चर्च की जानब से तमाम कलीसिया मोमिनीन तमाम फादर्स और सिस्टर्स और मुबशरान इंजील की जानब से खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ऐसा एक रहनुमा चुपान और कायद अता किया जो अच्छे चरवाहे खुदा यीशु मसीह की तरह अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता था, उनसे प्यार करता था, उनकी फिक्र करता है और उनकी खातिर अपनी जान का नसराना तक पेश कर देता है। बिशप जोसेफ का लहू ज़रूर रंग लाएगा। उन्होंने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की। हम उनकी कुर्बानी को याद करते हैं और ये जो काम उन्होंने शुरू किया है पाकिस्तान में अकलियतों के हकूक के लिए, ये आवाज़ हमेशा फिजा में गूंजती रहेगी और हम सब जितने भी मसीही मोमिनीन हैं हम उनके इस कुर्बानी को कदर की निगाह से देखते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। अभी हम खुदा के हुजूर में वही दुआ करते हैं जो हमारे निजात दहिंदा हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। मई का महीना मुकस्सा मरियम का महीना है, हम मुकस्सा माँ की सिफारिश चाहते हैं। तुम मुकस्सा माँ की सिफारिशात की बदौलत हमारे बिशप जॉन जोसेफ की रूह अपनी आराम रहे और मुकस्सा माँ की सिफारिशात की बदौलत सारी दुनिया में अमन और इंसाफ का बोल बाला हो। सलाम ए मरियम, पुर फजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। अभी दुआ में हमारी रहनुमाई रेवरेंड फादर नदीम जोसेफ करेंगे और हमें बरकत से भी नवाजेंगे। आज जब हम डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ की
22वीं बरसी के मौके पर यहाँ पर इकट्ठे हैं। आए हम दुआ में उनकी रूह के लिए और उनकी उस कुर्बानी के लिए दुआ करें, हम दुआ मांगें। आए खुदा उन खुदा, आज हम अपने हर्ज़ुल अज़ीज़ बिशप जान जोसेफ की इस बरसी के मौका पर इकट्ठे हुए हैं। हमने अपनी दुआओं के साथ, फूलों की पत्तियों के साथ, जलती हुई शमा के साथ और अक़दस कुर्बानी के साथ कलीसिया के दरमियान अपने अजीम और आला शफान डॉक्टर बिशप जान जोसेफ, जिसको खुदा ने बहुत सारी सलाहियतों के साथ नवाजा हुआ था, उन्होंने इस डायसिस की खुशहाली के लिए, ईमान के फ़रोग़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और दुखी इंसानियत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आज हम तेरा शुक्र गुजार आते हैं कि खुदावन तूने ऐसे कायद कलीसिया को अता किए जो कलीसिया के अच्छे चरवाहे का किरदार पाकिस्तान की इस धरती पर अदा करते हुए उन्होंने जान का नजराना पेश किया। मुकाशफा की किताब में ये लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज बख्शूँगा। हमारा ये ईमान है कि हमारे बिशप जी को खुदावन ने अजीम ताज बख्शा है उनकी उस वफादारी और कुर्बानी के वसीला से जो उन्होंने दुखी इंसानियत के लिए की। आज जब हम उनकी रूह के लिए दुआ फरमा रहे हैं, खुदावन तू उनके उन तमाम खिदमात को कबूल फरमा जो उन्होंने नेक छपान होते हुए अदा की। खुदावन आज उस तमाम मेहनत को कबूल फरमा जो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो हमारे माशरे में बे आवाज़ हैं। खुदावन तू आज उनकी इस बस्ती के मौका पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की धरती को, हमारी डायसिस ऑफ फैसलाबाद को, हमारे इस पैरिश को और दुखी इंसानियों को बरकत दे। और खुदावन हम इसी तरीके से आपने इन शहदा के लिए जिनके वसीला से मसीहत जो है वो कायम और दायम है, क्योंकि शहीद का जो खून है वो हमेशा मिल्लत का सितारा बनता है, इसके वजह से ईमान जो है मजबूत होता है। खुदावन तू हमारे बिशप जी की इस कुर्बानी को कबूल फरमा और आज की शाम की दुआ को कबूल फरमा मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। और खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और खादरे मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह अल-क़ुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो, आमीन। आए हम सब जो है बिशप जी की रूह के लिए हमेशा दुआ करते रहें और वो कुर्बानी का जो बीज उन्होंने धरती पर बोया उसको हम हमेशा पानी देते रहें ताकि वो ऐसा सब्ज़ शादाब रहे।